अब न्यूज 18 आपको ये दिखा रहा है कहां पर कितना मतदान अब तक का हुआ है। मोहनलालगंज की तस्वीरें देखिए, 13.86% मतदान अब तक, और लखनऊ में 10.39% मतदान अब तक हो चुका है। अभी भी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग और पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए। रायबरेली हॉट सीट, 13.6% मतदान रायबरेली में अब तक हो चुका है। अमेठी की बात करें, 13.45% मतदान अमेठी में अब तक का वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। जालौन देखिए, 12.8% मतदान अब तक जालौन में हुआ है। ये पूरा एक एक सीट का समीकरण, 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। और झांसी भी देखिए, 14.26% मतदान झांसी में, वहां पर भी अलग अलग बूथों में से कोई बूथ खराब भी है, वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया। हमीरपुर में देखिए, 13.6% मतदान हमीरपुर में अब तक। बांदा में 14.57% मतदान बांदा में अब तक हुआ है, जो कि खबर मिल रही थी कि अब धीरे धीरे बांदा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। फतेहपुर में देखे 14.28% मतदान फतेहपुर में अब तक। कौशाम्बी की बात करें, 10.49% मतदान कौशाम्बी में अब तक हो चुका है, लोग अभी भी कतारों में लगे हैं। बाराबंकी की बात करें, 12.73% मतदान बाराबंकी में अब तक का वोट परसेंटेज है। साथ ही फैजाबाद की बात करें, 14% मतदान अब तक फैजाबाद में हो चुका है। दूसरी सीट आती है कैसरगंज सीट, काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर, 13.04% मतदान कैसरगंज में अब तक हुआ है। गोंडा सीट की बात करें, 9.55% मतदान गोंडा में अब तक का वोट परसेंटेज है। 14 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की, आज पांचवें चरण के रण में अलग अलग दिग्गजों ने जहां से वो सीट बिलोंग करते हैं वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कौन कौन से बड़े लड़ैया और बड़े बड़े दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है। स्मृति ईरानी ने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है, मायावती ने वोट डाल दिया है, सांसद कैसरगंज की उन्होंने भी मतदान कर दिया है, और साथ ही करण भूषण सिंह ने भी डाला वोट। ब्रजेश पाठक डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया है, और साथ ही श्रेया वर्मा ने भी वोट डाल दिया है। दिनेश प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं रायबरेली के, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। फैजाबाद की बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने भी वोट डाल दिया है। भानु प्रताप वर्मा ने भी डाल दिया है वोट, जो कि प्रत्याशी हैं जालौन से भारतीय जनता पार्टी के। ये अलग अलग तस्वीरें वोटिंग के हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, और बड़ी खबर मिल रही है फतेहपुर से, जहां पर बड़ी जानकारी कि तेलियानी गांव में मतदान बहिष्कार हो गया है। सड़क पानी की समस्या को लेकर बहिष्कार हुआ है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो करिए। सुबह से अभी तक एक भी वोट वहां पर पड़ा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पहले मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए, वोट बाद में मांगेगा। सदर के बूथ नंबर 315 पर मतदान का बहिष्कार। फतेहपुर का गांव है तेलियानी गांव, वहां पर लोगों ने वोट डालने से साफ मना कर दिया है कि भाई आप मूलभूत सुविधाएं अगर दे नहीं पा रहे हैं, जैसे कि सड़क पानी बिजली, तो फिर वोट भी हम नहीं करेंगे। प्रशासन लगातार समझाने में जुटा हुआ है।